नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस एफटीआर सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आकाश। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित इस वीडियो में हम मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति पर आधारित एमसीक्यू देखते हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे बहुत ही तेज गति से ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। साथ ही साथ हम भारत में बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भी कुछ एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, अभी वर्तमान परिपेक्ष में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इस पेंडेमिक की वजह से। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है और यह वक्र पर आधारित है, कर्व पर आधारित है। और ये कौन सा वक्र है? तो फिलिप्स वक्र है, फिलिप्स कर्व जिसे आप कहते हैं। फिलिप्स वक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। देखिए, ये कथन रूपी प्रश्न देने के पीछे दो कारण है। कारण नंबर एक कि इस तरीके का पैटर्न ज्यादा फॉलो किया जा रहा है कुछ वर्षों से सीजीपीएससी के द्वारा। साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन जब डील किए जाते हैं तो इस किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लिया जाता है। और इसी आधार पर, इसी वजह से इस कथन वाले प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा मैं अपने वीडियो में शामिल करने का प्रयास करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कथन है। सबसे पहला कथन यहां पर दिया गया है कि फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर में संबंध स्थापित करता है। दूसरा कथन कहता है इसमें स्फीति या मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। इंग्लिश में इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहते हैं। अब ये रहा फिलिप्स कर्व आपके सामने। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, तो इस कर्व को पहले हम समझ लेते हैं। इस कर्व में ये दिखाया जाता है, नीचे में जो एक्स एक्सिस है वहां पर बेरोजगारी की दर दी गई है और यहां पर मुद्रास्फीति की दर लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर पॉइंट ए, या फिर आप ये कहें कि इस दर की बात हो रही है, अगर मुद्रास्फीति की दर 2% है तब हमें यहां पर जो बेरोजगारी की दर है वो पॉइंट ए पर दिख रहा है। अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं ये 60% के आसपास दिख रहा है। लेकिन जब मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाया गया और मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5% हो गई, तब बेरोजगारी की दर घट गई या बेरोजगारी कम हुआ और बेरोजगारी मात्र 30% तक आ गया। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के। अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी की दर क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है कुछ इस प्रकार से आता है कि अगर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ता है, ध्यान रखिएगा मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक सीमित दर तक ही होनी चाहिए। एक सीमित दर तक मुद्रास्फीति की दर बहुत ही स्वस्थ होती है अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि इस दर पर, एक पर्टिकुलर लिमिट तक की जो दर होती है, अप्रोक्सीमेटली वह 2% से लेकर 6% तक होती है, या फिर आप ये मानकर चलते हैं कि जो आइडियल केस होता है वो 4% ऑफ CPI होता है। यह हेल्दी इन्फ्लेशन का रेट है। और जब इन्फ्लेशन इस रेट पर होता है, अर्थात 2% से ज्यादा होता है, इसका क्या तात्पर्य है कि बाजार में मांग बढ़ा हुआ है। और बढ़े हुए मांग से क्या होगा, तो बढ़े हुए मांग से देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि देश की GDP बढ़ेगी। बाजार में मांग अगर है तो जाहिर सी बात है कि इस मांग की पूर्ति करने के लिए लोग निवेश भी करेंगे और इस निवेश से पुनः उत्पादन बढ़ेगा, अर्थात देश की GDP बढ़ेगी। अब देश की अगर GDP बढ़ते जाती है, इसका क्या तात्पर्य है, देश की GDP अगर बढ़ती है, अर्थात वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है, इसका मतलब क्या है कि लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्योंकि अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, अर्थात काम करने वाले लोगों की आवश्यकता और बढ़ रही है, अर्थात उनके पास रोजगार के अवसर है और उन्हें नौकरियां मिलेगी, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी गिरेगी। क्लियर है? अगर GDP बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और रोजगार के अगर अवसर बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय अगर बढ़ता है तो आप फिर से ये समझ सकते हैं कि बाजार में मांग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा,
साथ ही साथ सरकार को टैक्स में पैसे ज्यादा मिलेंगे, सरकार खर्च अच्छा कर सकती है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक की अगर मुद्रा स्फीति है, इसका तात्पर्य यह है कि लोगों के पास आय अधिक होने वाली है और उस अधिक आय से बाजार में मांग बढ़ते हुए देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, अर्थात रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी, अर्थात बेरोजगारी कम होगी। क्लियर। लेकिन ये सारी की सारी कहानी, ये मुद्रा स्फीति पर आधारित जो सकारात्मक पहलू अभी आपने देखा, ये मुद्रा स्फीति की एक सीमित दर तक ही होती है और वो सीमित दर 2 से लेकर 6% तक होती है और आइडियल केस होता है 4%। अगर 6% से मुद्रा स्फीति की दर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, 8%, 10%, 15% अगर बढ़ने लगे, इसका मतलब यह है कि वह स्वस्थ दर से मुद्रा स्फीति की दर अब अगर निकल चुकी है और इस मुद्रा स्फीति की दर से अब देश में लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि होने वाला है। क्योंकि अगर दर बहुत ज्यादा हो जाएगी, अर्थात वस्तु और सेवाओं की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, लोग वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे और वह जो लोग जो इस वस्तु के उत्पादन करके इस इंतजार में बैठे हैं कि जब इस वस्तु को कोई खरीदेगा तो हमारी आय होगी, उन्हें आय नहीं मिलेगा। बाजार में इस बढ़ी हुई कीमत की वजह से मांग गिरता हुआ दिखेगा और निवेश कम होगा, क्योंकि बाजार में मांग कम है और निवेश अगर कम होगा तो देश की जीडीपी भी गिरने लगेगी और बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। तो अगर मुद्रा स्फीति की दर एक सीमित दर से ऊपर जाने लगती है तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगा, लेकिन इसकी जानकारी इस फिलिप्स कर में नहीं बताई गई है। इसकी जानकारी या फिलिप्स कर में जो जानकारी दी गई है वो एक सीमित दर तक के मुद्रा स्फीति की जानकारी दी है इन्फ्लेशन के साथ रिलेशन। क्लियर है। तो सेकंड स्टेटमेंट, व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, वो तो हमने पहले ही यहां पर लिख दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं और हमारे सामने ऑप्शन सी सही उत्तर के रूप में चला आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि दोनों ही कथन सही है और ऑप्शन सी सही उत्तर बनता है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर बात करते हैं। यह प्रश्न आधारित है मुद्रा की आपूर्ति पर, इस पर आधारित तो सीजीपीएससी के मेंस में भी पूछा गया था, इससे आधारित प्रश्न पूछा गया है मेंस में और कई एग्जाम के व्यापम में भी पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को या निम्नलिखित को तरलता के आधार पर व्यवस्थित करें। यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, M1, M2, M3 और M4, और कहा गया है कि तरलता के आधार पर व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि मुद्रा आपूर्ति की तरलता का तात्पर्य क्या है। What do you mean by liquidity of money? देखिए, मुद्रा के कई प्रकार होते हैं। जब भी हम मुद्रा सुनते हैं तो सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में क्या आता है, या तो नोट आएगा या तो सिक्के आएंगे। लेकिन मुद्रा के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मुद्रा, आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो प्लास्टिक मुद्रा हो गया। अब तो वर्चुअल मुद्रा भी है, बिटकॉइन के नाम से जिसे आप जानते हैं। मुद्रा कहने का तात्पर्य यह है कि हर वह चीज जो वस्तु और सेवाओं के बदले स्वीकार कर ली जाए उसे मुद्रा कह दिया जाता है। मेटल मनी या मेटल मुद्रा जब कहते हैं तो सिक्का, नोट मुद्रा अगर कह रहे हैं, या सॉरी पत्र मुद्रा अगर कह रहे हैं, पेपर मनी अगर कह रहे हैं, इसका मतलब आपके जेबों के नोट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। क्लियर है। और जब यहां पर प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक मुद्रा कहा जा रहा है तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे चीज उसके अंदर आते हैं। अब ये हर अलग अलग प्रकार की जो मुद्राओं का बखान मैंने अभी आपके सामने किया, इन मुद्राओं की तरलता भी होती है। अब मन में सवाल ये आता है कि लिक्विडिटी या तरलता का तात्पर्य क्या है। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ यूसेज और डिग्री ऑफ ट्रांजेक्शन। कहने का तात्पर्य क्या है कि कौन सी मुद्रा कितने आसानी से, कितने तरलता से स्वीकार हो जाती है या बाजार में रोल हो जाती है, वो उसके तरलता या लिक्विडिटी को शो करता है। उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा तरलता अगर देखी जाए तो वह होते हैं नोट के और सिक्कों के, क्योंकि इसे हर कोई स्वीकार कर लेता है, बहुत आसानी से आप इसके बदले वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरफ अगर चलते हैं तो थोड़ा सा इसकी तरलता कम होगी, क्योंकि उतनी आसानी से इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा जितनी आसानी से कैश को स्वीकार कर लिया जाता है। अब नहीं स्वीकार किया जाएगा, इसका क्या तात्पर्य है कि इसको स्वीकार करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें चाहिए, जैसे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, स्वैप मशीन चाहिए। तो इन सारी चीजों के होने के बाद ही
इनके बदले या इनके इस्तेमाल से वस्तु और सेवाओं को आप खरीद सकते हैं। तो हर एक प्रकार की मुद्रा की तरलता होती है और ये तरलता डिपेंड करती है कि कितने आसानी से बिना नुकसान के वस्तु और सेवाओं के बदले इसे स्वीकार कर लिया जाए। तो ये तो हो गया तरलता का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब। अब यहां पर मुद्रा आपूर्ति के कुछ पैमाने दिए हुए हैं, M1, M2, M3 और M4। हर पैमाने मुद्रा आपूर्ति के अलग अलग मात्रा और अलग अलग तरलता को शो करते हैं। जैसे कि M1 जब भी कह दिया जाए तो M1 के अंतर्गत किन किन मुद्राओं को रखा जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी मुद्रा आपूर्ति होती है। तो देखिए, जनता के पास पत्र मुद्रा एवं सिक्के जो होते हैं वो M1 के अंदर आते हैं, और बैंकों में जो मांग जमाएं हैं, कमर्शियल बैंकों में जो मांग जमाएं हैं, वह भी M1 के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी आपके सामने ये कहा जाए M1 मनी सप्लाई या फिर M1 मुद्रा आपूर्ति क्या है, तो आप ये कहेंगे कि M1 में लोगों के पास जो पत्र एवं सिक्के हैं उनकी मात्रा, उन्हें और वाणिज्यिक बैंकों के पास जो मांग जमाएं हैं उन्हें जब एक साथ रखा जाता है तो उसे M1 कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। M2 क्या हुआ? तो M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस की जमाएं होते हैं वो, लेकिन कौन सी जमाएं? तो मांग जमाएं। अब ध्यान रखिएगा कि M1 से ज्यादा मात्रा M2 की तो जरूर है, क्योंकि इसमें M2 में M1 के अलावा कुछ और मुद्रा यहां पर रखा गया है। मात्रा के आधार पर M1 से ज्यादा M2 है, लेकिन तरलता के आधार पर M1 ज्यादा तरल है। क्यों? क्योंकि M1 में जो भी यहां पर आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये कंपोनेंट बहुत आसानी से यूज कर लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आप M2 पर देखेंगे तो M2 में आपको पोस्ट ऑफिस की बचत जमा या मांग जमा देखने को मिलेगी, और वह उतने आसानी से नहीं आप उसको रोल कर सकते, उसका यूज कर सकते, जितनी आसानी से आप कॉमर्शियल बैंकों के डिमांड डिपॉजिट या मांग जमाओं को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और M3 के पास पहुंचते हैं। M3 में M1 होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे कि M1 में M2 होगा, नहीं, M3 में M1 होगा प्लस सभी जो बैंक होंगे उनकी सावधि जमाएं होंगी। तो मात्रा के दृष्टिकोण से M1 M2 से भी अधिक M3 दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट को सम्मिलित कर लिया गया है, इसमें सावधि जमाओं को सम्मिलित कर लिया गया है, और सावधि जमाएं किसी भी देश में मांग जमाओं से काफी ज्यादा होती है। तो मात्रा के दृष्टिकोण से M3 ज्यादा है M1 और M2 से, लेकिन तरलता इसकी और घट गई क्योंकि सावधि जमाएं इसमें सम्मिलित हो गए हैं, और जो सावधि जमाओं में जो राशियां हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स हैं, और उसे आप मांग जमाओं में रखी हुई राशि की तरह उतनी आसानी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो तरलता के दृष्टिकोण से M3 कम तरल है। M4 पर आते हैं, सबसे अधिक मात्रा M4 पर देखने को मिलेगा क्योंकि M4 में M3 प्लस डाकघरों के सब जमाओं को रख दिया गया है। तो सबसे अधिक मात्रा M4 की और सबसे अधिक तरलता M1 की। M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा और नैरो मनी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक तर्क है, क्योंकि M1 और M2 में जो मुद्रा की मात्रा रखी गई है वह बहुत ही कम होती है, अर्थात संपूर्ण मुद्रा आपूर्ति के बहुत ही कम अंश को, बहुत ही संकीर्ण भाग को M1 और M2 के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति की संकीर्ण परिभाषा को M1 और M2 शो करता है, इसलिए M1 M2 को नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। लेकिन जब हम M3 और M4 पर आते हैं तो इसमें सावधि जमाएं भी सम्मिलित हैं, अर्थात एक बहुत बड़ा मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को इसके अंतर्गत रखा गया है, और इस कारण से यह ब्रॉड या फिर विस्तृत पिक्चर हमारे सामने रखता है मुद्रा आपूर्ति का, इसलिए M3 और M4 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई एग्जाम में। क्लियर है? तो चलिए अब इस जानकारी के बाद इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं कि तरलता के आधार पर व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सबसे ज्यादा जो तरलता है वह M1 की है, फिर M2 की, फिर M3 की और फिर M4 के। अगर मात्रा के आधार पर पूछा जाता, मात्रा के आधार पर व्यवस्थित करने को कहा जाता, तब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा हमें देखने को मिलता है M4 में। क्लियर है? चलिए अब इस प्रश्न के बाद आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन प्रश्न बड़ा मजेदार है।
M1, M2, M3, M4 ये चार मुद्रा आपूर्ति के आपने पैमाने देख लिए। कौन सा पैमाना, कौन सा मेजरमेंट का वे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि इन सभी मुद्रा आपूर्ति के पैमाने में से वह कौन सा पैमाना है जिसको नियंत्रित करना सरल है और उसके नियंत्रण से अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। देखिए, दो कंडीशन मैंने कहा है, उसका नियंत्रण सरल हो और नियंत्रण से व्यापक असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिले, वो M1 है या M3 है या M2 है कि M4 है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे गए, इसका मतलब ये है कि मुद्रा आपूर्ति पर आधारित जितनी भी कंसेप्चुअल जानकारी होनी चाहिए वो आपके पास है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर पहुंचते हैं। मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। ये दोनों ही कथन सही हैं और अलग अलग शब्दों में एक ही चीज को समझा रहे हैं। चलिए समझते हैं, मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो उसे कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमत में निरंतर वृद्धि एवं, ये एक पहला कंडीशन, एवं मुद्रा की क्रय शक्ति में, जिसे हम परचेजिंग पावर भी कहते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट, ये कहलाती है क्या, मुद्रा स्फीति। क्लियर, उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण हम लेते हैं फिर समझते हैं मुद्रा स्फीति का मतलब क्या। मान लेते हैं कि अभी आपके पास 5,000 रुपए हैं, ठीक है, और 1 रुपए में आप एक चॉकलेट खरीद पाते हैं, ठीक है, एक चॉकलेट आप खरीद पाते हैं। तो अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आप कितने चॉकलेट खा पाएंगे, तो आप लगभग 5,000 चॉकलेट खा पाएंगे, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर देखिएगे, भावुक नहीं होंगे इस पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुद्रा स्फीति की वजह से क्या होगा कि 5,000 रुपए में हो सकता है कि आप मात्र 4,000 चॉकलेट ही खरीद पाए। अब चलिए समझते हैं इन दोनों के दृष्टिकोण से, इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि वस्तुओं की कीमत में निरंतर वृद्धि। तो देखिए, ये कंडीशन बना क्यों होगा, क्योंकि भाई चॉकलेट की कीमत बढ़ गई होगी और 5,000 में अब आप 5,000 चॉकलेट नहीं खरीद पा रहे हैं, 5,000 में सिर्फ 4,000 चॉकलेट ही खरीद पा रहे हैं, अर्थात वस्तु की कीमत में क्या हुई होगी, वृद्धि हुई होगी। ये वस्तु के दृष्टिकोण से मुद्रा स्फीति को देखने का नजरिया हुआ। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पर बात करते हैं, ये कहता है कि मूल्य की क्रश या परचेजिंग पावर ऑफ मनी गिर जाना। तो अब आप इस दृष्टिकोण से देखें इसे, भाई 5,000 रुपए की क्रय शक्ति कितनी थी, 5,000 चॉकलेट के बराबर थी, लेकिन अब 5,000 रुपए की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वो गिर गई है और अब उसके माध्यम से, 5,000 रुपए के माध्यम से या उसकी परचेजिंग पावर से आप 4,000 चॉकलेट ही खरीद पा रहे हैं, अर्थात इस मुद्रा की या रुपए की जो परचेसिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो गिर गई है। तो मुद्रा स्फीति को देखने का, मुद्रा स्फीति को समझने का दो दृष्टिकोण है, एक तो वस्तु के दृष्टिकोण से आप इसे देख सकते हैं और एक मुद्रा के क्रय शक्ति के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, और ये दोनों ही स्टेटमेंट मुद्रा स्फीति के इन दोनों ही दृष्टिकोणों को यहां पर दर्शा रहा है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको सत्य कथन निकालना था, दोनों ही कथन सत्य हैं और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा स्फीति में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने मुद्रा स्फीति क्या होता है यह समझा, अब बात यह आती है कि यह मुद्रा स्फीति कैसे हो सकता है। तो देखिए, वैसे तो कई अलग अलग तरीके से इसे समझाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर को खोजने के लिए हम किस तरीके से इसे समझे वो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपने क्या देखा कि वस्तुओं की कीमत में अगर निरंतर वृद्धि होगी तो उसे मुद्रा स्फीति कहेंगे,
चलिए बहुत सही। तो अब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कैसे हो सकती है, वस्तुओं की कीमत में जो वृद्धि है वो कैसे हो सकती है। पहला तो आप ये बता सकते हैं कि जितने वस्तुएं हैं उससे अधिक बाजार में मुद्रा आपूर्ति हो जाए या फिर मनी सप्लाई हो जाए। अगर बाजार में मुद्रा आपूर्ति अधिक है, तरलता अधिक है, मनी सप्लाई अधिक है, तब ये क्या करेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाने की वजह से लोग बाजार की ओर आएंगे और वस्तुओं की मांग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, किसी चीज की मांग बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। और वैल्यू का बढ़ना वस्तु के दृष्टिकोण से क्या कहलाता है, उसकी कीमत में वृद्धि होना। क्लियर है? तो देखिए काला धन, पहला काला धन से मुद्रा स्फीति बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा। काला धन का मतलब यही है, अनअकाउंटेड मनी, ऐसा धन जिसका कोई लेखा जोखा ना हो। तो ना तो ये बैंकों में जाएंगे, ना तो ये सरकारी आंकड़ों में जुड़ेंगे, ये बाजार में ही घूमते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनअकाउंटेड मनी है। तो अगर किसी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर पे चले जाते हैं तो ये फिर तो अकाउंटेड मनी बन जाएंगे। तो अगर काला धन बाजार में ज्यादा है या काला धन अगर बढ़ रहा है, तो बाजार में क्या होगा, मांग बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो पहला तो कारण बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो चलिए अब हम दूसरे कारण पर चलते हैं, लेकिन पहले हम पहले कारण की सारी चीजों को यहां से हटा देते हैं। करों में कमी, कर की दरों में अगर कमी कर दी जाए, बिल्कुल। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आय 100 रुपए है और इसमें अगर 10% का टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, इसका मतलब क्या है कि सरकार को 10 रुपए कर के रूप में चले गए। मेरे पास कितनी राशि रह गई, 90 रुपए की राशि रह गई, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि अगर कर की दर को गिरा दिया जाए और इसे मात्र 2% कर दिया जाए, तो इसका क्या तात्पर्य है कि सरकार के पास मात्र 2 रुपए जाएंगे और मेरे पास बची हुई राशि हो जाएगी 98 रुपए। तो 90 रुपए की तुलना से मेरे पास अब ज्यादा राशि है। अब इस ज्यादा राशि से होगा क्या, जितना बाजार में मांग पहले केस में बनता था उससे ज्यादा मांग अब दूसरे केस में बनेगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसे ज्यादा हैं, मांग ज्यादा बनेगा या फिर बैंकों में जमा ज्यादा होगा। दोनों ही केसों में आप ये समझ सकते हैं कि जो मुद्रा की तरलता होगी बाजार में वह बढ़ेगी, और मांग जब ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये चला जाएगा इन्फ्लेशन को बढ़ाने तक। तो दूसरा कारण भी मुद्रा स्फीति में वृद्धि का कारण बनता है। तीसरा कारण हम देखते हैं वेतन में वृद्धि। क्लियर, जाहिर सी बात है कि अगर मेरी वेतन 100 रुपए है और मेरे इस वेतन में अगर कुछ वृद्धि होता है और 120 रुपए हो जाता है, तो पहले की तुलना से फिर मैं अधिक मांग बनाऊंगा बाजार में, और जिससे फिर से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो तीसरा कारण भी मुद्रा स्फीति के वृद्धि का कारण बनता है। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरे कारण की। ये तो ज्योग्राफी की तरह दिख रहा है, वर्षा की मात्रा में कमी, इकोनॉमी में ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। अब ये जो तीनों आपने ऊपर के कारण देखे हैं, ये तीनों कारण मुद्रा स्फीति में वृद्धि के कारण जरूर बनते हैं, और जब इन प्रकार के कारणों से मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही कारणों से आपने देखा कि बाजार में मांग बढ़ा है। क्लियर है? मांग की बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई है। लेकिन इस तीसरे कारण, चौथे कारण पर जैसे ही हम आएंगे, तो इस वजह से भी मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इस प्रकार के कारणों से मांग प्रेरित नहीं बल्कि लागत जन्य या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, या लागत जन्य मुद्रा स्फीति बनता है। जब वस्तु और सेवा, या सीधे वस्तु पर आ जाएं, बाजार में पहुंचने से पहले ही किन्हीं कारणों की वजह से महंगे हो जाएं या उनकी कीमत में वृद्धि हो जाए, कारक लागत या जो लागत है उसी में कुछ ऐसी कहानी हो
जिससे वस्तुएं जो बाजार में पहुंची हैं वो बढ़ी हुई कीमत के साथ पहुंची हैं, तो हम उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, और वह वर्षा की मात्रा में कमी की वजह से देखा जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, चलिए मान लेते हैं कि वर्षा की मात्रा कम हुई या फिर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, क्लियर है? तो इससे होगा क्या कि इससे जो सिंचाई के लिए जल चाहिए वह क्या होगा, कम, क्योंकि हमारे देश की जो कृषि है वो अधिकतम किस पर निर्भर करती है, तो मॉनसून पर निर्भर करती है, क्लियर है? तो सिंचाई के लिए जल की मात्रा अब कम उपलब्ध है क्योंकि मॉनसून खराब हुआ, वर्षा की मात्रा कम हुई। अब इससे होगा क्या, अब अगर किसान को अपने जो उत्पादन है उसे कांस्टेंट रखना होगा तो उसे इस सिंचाई की सुविधा के लिए अधिक खर्च करने पड़ेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं व्यय अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राकृतिक तौर से वर्षा या पानी नहीं मिला, जल नहीं मिला, तो उसे बोर में इस्तेमाल करना, नहर की वजह से पाइप बिछाना पड़ेगा, तो उसे व्यय ज्यादा करना होगा। अगर अपने उत्पादन को कांस्टेंट रखना है तो पहले की साल की तरह ही रखना है, तो अगर व्यय ज्यादा होगा कृषि उत्पादन में तो जाहिर सी बात है कि उस उत्पाद की जो कीमत होगी वह भी ज्यादा होगी, क्योंकि किसान जिसने व्यय ज्यादा किया है उसे आय भी चाहिए, तो वो उसकी कीमत ज्यादा रखकर ही करेगा, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब अगर वह कांस्टेंट नहीं रखना चाहता, उत्पादन को कांस्टेंट नहीं रखना चाहता, और यह चाहता है कि जितना प्राकृतिक रूप से पानी मिला है उसी के उतने ही जल से उसी पानी से मैं सिंचाई कर लूं भले उत्पादन कम हो, तो उस केस में क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, जो प्रोडक्शन है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो इसकी आपूर्ति भी क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके वैल्यू में हम वृद्धि देखते हैं, और वैल्यू में वृद्धि का तात्पर्य क्या है कि उसके कीमत में हम वृद्धि देखेंगे, और इस केस में भी क्या होगा, इन्फ्लेशन ही होगा। देखिए अगर कॉन्स्टेंट रखता है तो भी कीमत वृद्धि हुई, अगर उत्पादन गिरता है तो भी कृषि उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई, और इन दोनों को ही आप कह सकते हैं कि चाहे जो भी हो इन्फ्लेशन तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पर या कृषि उत्पादों पर बढ़ेगा जरूर, क्लियर है? हरी बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या समझ सकते हैं कि यह जो चौथा कथन है यह भी बिल्कुल सही है, और यह भी एक कारण बनता है मुद्रास्फीति में वृद्धि के पीछे। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, क्लियर है? तो यहां तक हमने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर हम नजर डालते हैं। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, मुद्रास्फीति क्या होता है वो समझा, मुद्रास्फीति कैसे होता है ये समझा, अब इस प्रश्न से हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है, बिल्कुल होती है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट महंगे में मिलेगा, ज्यादा कीमत अगर देनी पड़ेगी तो मुझे तो हानि होगा, लेकिन जो उत्पादक वर्ग है उसे लाभ होगा क्योंकि उसको ज्यादा राशि मिल रही है। तो पहला कारण तो बिल्कुल, या पहला प्रभाव तो बिल्कुल सत्य है। ऋणी वर्ग को लाभ होता है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऋण लिया हुआ है उन्हें लाभ होता है। कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ये ऋणदाता है जिसने ऋण दिया और यह ऋणी व्यक्ति है जिसने ऋण लिया। मान लेते हैं कि ऋणदाता ने इस बी को, ए ने बी को 1000 रुपए दिए किसी वर्ष, और किस ब्याज दर पर दिए, तो 10% की ब्याज दर पर दिए, कहने का तात्पर्य है, और कितने साल के लिए दिए, तो 5 साल के लिए भी दिए। तो पहले वर्ष यह ऋणी व्यक्ति ऋणदाता को कितनी राशि लौटाएगा, तो 100 रुपए, दूसरे वर्ष कितना लौटाएगा, 100 रुपए, तीसरे वर्ष कितना लौटाएगा, 100 रुपए, क्लियर है? अब इन सारी कहानियों में हम इन्फ्लेशन के प्रभाव को जोड़ देते हैं, मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ देते हैं। मुद्रास्फीति क्या कहता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट होगी,
क्लियर है। चलिए अब इसका क्या मतलब है कि पहले साल जो ये 100 रुपए दिए गए थे इसकी क्रय शक्ति अच्छी थी, लेकिन मुद्रा स्फीति बना हुआ और दूसरे साल भले मात्रा 100 की जरूर है लेकिन इसकी वैल्यू कम है क्योंकि मुद्रा स्फीति ने कहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति गिरेगी। तो हो सकता है कि पहले साल जो आपने 100 रुपए दिए हैं ये 100 चॉकलेट के बराबर की क्रय शक्ति रखते हो, दूसरे साल में यह जो 100 रुपए होंगे हो सकता है कि 98 चॉकलेट की क्रय शक्ति रखते होंगे, और तीसरे साल में हो सकता है कि ये 96 चॉकलेट की ही क्रय शक्ति रखते होंगे। तो यह जो ऋणी व्यक्ति है उसके साथ हो क्या रहा है, मुद्रा स्फीति की वजह से इसे लाभ हो रहा है या फिर आप ये कह सकते हैं कि मात्रा तो वो उतना ही लौटा रहा है लेकिन कम क्रय शक्ति वाली मात्रा को लौटा रहा है जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहा है। तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव से या जो ऋणी व्यक्ति होता है उसे लाभ मिलता है और यह जो ऋणदाता होता है उसे नुकसान होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके पास जो राशि आ रही है उसकी क्रय शक्ति कम है। क्लियर है। सामान्य तौर से ऐसा ही होता है लेकिन आजकल उधार देने के भी कई तरीके आ गए हैं जिसमें इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति दर को जोड़ दिया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ब्याज दर होता है उसे x+2% ऐसे लिख दिया जाएगा और x हो जाएगा इन्फ्लेशन। अगर मुद्रा स्फीति 4% है तो ब्याज दर 6% हो जाएगा, अगर मुद्रा स्फीति 2% है तो ब्याज दर 4% हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन सामान्य तौर से हम ऐसा ही देखते हैं। क्लियर है। तो दूसरा प्रभाव भी बिल्कुल सत्य है। तीसरे प्रभाव पर बात करते हैं, निर्यात में कमी होती है। चलिए इसे समझते हैं, निर्यात में कमी होती है कि नहीं होती है, ये प्रभाव गलत है। मुद्रा स्फीति की वजह से निर्यात में कमी नहीं बल्कि निर्यात की मात्रा में वृद्धि होती है। कैसे समझते हैं, मान लेते हैं आपने क्या कहा, मुद्रा स्फीति का तात्पर्य क्या है कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसमें गिरावट होना। मान लेते हैं कि अभी $1 = 70 रुपए। क्लियर। और अगर मुद्रा स्फीति हुई इसका मतलब क्या है कि इसकी क्रय शक्ति गिरी, तो $1 को खरीदने के लिए हो सकता है कि 75 रुपए देना पड़े क्योंकि क्रय शक्ति गिर गई है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए यह तो समझ लिया हमने एक्सचेंज रेट। अब यहां पर यह मानकर चलिए कि पहले केस में अगर 1 रुपए का 1 चॉकलेट मिलता है तो पहले केस में कोई विदेशी व्यक्ति $1 देकर 70 चॉकलेट अपने देश लेकर चला जाएगा, लेकिन दूसरे केस में $1 देकर ही वह व्यक्ति 75 चॉकलेट अपने देश में ले जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है कि 5 चॉकलेट की संख्या अधिक निर्यात हुई। क्लियर है। देखिए निर्यात की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, हो सकता है कि जो मूल्य का जो मान दिखे वो कम दिखे। ओवरऑल तौर से व्यापार में हम जैसे देश जो आयातक राष्ट्र हैं उनको मुद्रा स्फीति की वजह से नुकसान ही होता है क्योंकि आयात करते समय अधिक राशि हमें देनी पड़ती है क्योंकि हम डॉलर खरीदते हैं। लेकिन निर्यात की मात्रा पर अगर हम बात करें तो निर्यात की मात्रा बढ़ती है अगर मुद्रा स्फीति बढ़ता जाएगा तो, और इस प्रकार से ये जो तीसरा प्रभाव है वह गलत है। क्लियर है। तो पहला प्रभाव और दूसरा प्रभाव मुद्रा स्फीति का बिल्कुल सही है और इसलिए सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं कि निम्नलिखित में से रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव कौन सा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट इनका बढ़ाना घटाना अभी काफी चल रहा है, ये इस पेंडेमिक की वजह से जीडीपी को बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट को ऊपर नीचे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट का तात्पर्य क्या है। क्लियर। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से, आप SBI ले सकते हैं, उधार लेगा या लोन लेगा। क्लियर। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है अल्प अवधि के लिए।
क्लियर है, बैंक जो होंगे वो आरबीआई के पास पैसे जमा करेंगे और उसके बदले ब्याज लेंगे। अब अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा? अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए इसका मतलब क्या है कि वाणिज्यिक बैंक लालच में चले आएंगे, क्योंकि अगर वो पैसे यहां पर ज्यादा जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज ज्यादा मिलेगा क्योंकि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है। क्लियर है? तो अगर ये बैंक अपनी राशि आरबीआई के पास में रख दें अधिक ब्याज दर के लालच से, तो होगा क्या कि अब इस बैंक के पास में जो ऋण योग्य राशि है वो कम हो जाएगी और बाजार में वह उधार कम बढ़ाएंगे। बाजार में अगर उधार कम बढ़ाएंगे इसका तात्पर्य क्या है कि बाजार में तरलता में कमी होगी, और तरलता में अगर कमी होगी इसका तात्पर्य क्या है कि मांग बाजार में कम होगा, जिससे इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति की दर जो होगी वो गिरेगी या फिर निरंतरित होगी। क्लियर है? तो अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट गिरा दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर रिवर्स रेपो रेट गिरा दिया जाए तो ये जो बैंक है वो आरबीआई के पास में पैसे नहीं देंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि इनके पास आरबीआई के पास अगर पैसे हम दे दिए, रुपए अगर हम दे दिए, तो हमें लाभ बहुत कम मिलने वाला है। तो वह प्रयास करेंगे अधिक लाभ अर्जित करने के लिए बाजारों में मुझे, आपको या फिर निजी क्षेत्रों के उपक्रमों को उधार दे जहां से उन्हें अधिक ब्याज मिले, जिससे बाजार में उधारी बढ़ेगा, बाजार में तरलता बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, और अगर बाजार में मांग बढ़ेगी तो देश में जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा या आर्थिक वृद्धि बढ़ेगा। यही दो उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति का, यही दो उद्देश्यों की पूर्ति करती है मौद्रिक नीति इन विभिन्न दरों से। रेट को गिराकर क्या करने का प्रयास करती है, जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास करती है, और रेट को बढ़ाकर बढ़ी हुई मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर चलते हैं। करंट है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे आप सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। क्या होता है ये सीआरआर, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पर। एक तरीके से आप ये समझ लें कि जो बैंकों की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है उसका कुछ हिस्सा बैंकों को आरबीआई के पास में आरक्षित रखना होता है, और ये अनिवार्य होता है कि ये आरक्षित जो राशि रखेंगे वो किस में हो, कैश में हो, नगद के रूप में हो। और वह अभी कितना प्रतिशत चल रहा है, तो वह 3% चल रहा है, कम है। कम इसलिए रखा गया है क्योंकि देश की जीडीपी को बढ़ाना है। रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट अभी मैंने आपको बता दिया। बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट जैसा ही होता है, बट रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म होता है, अल्पअवधि के लिए होता है, बट बैंक दर दीर्घ अवधि के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज दर होता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये तीनों ही क्या है, सही है। क्लियर है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है, ऑप्शन ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर चलते हैं। मुद्रा स्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक जिसे आप WPI भी कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे आप CPI भी कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्यक्तियों की क्रय शक्ति या फिर परचेसिंग पावर जिसे आप कहते हैं। तो ये तीन तरीके यहां पर दिए गए हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि इन तीनों ही तरीकों से मुद्रा स्फीति का मापन किया जाता है, इन तीनों ही तरीकों से किया जाता है, लेकिन CPI मुद्रा स्फीति की दर का सबसे रियल या वास्तविक चित्रण करता है। उसके पीछे कारण क्या, कि सबसे पहला कारण तो यह है कि यह उपभोक्ता स्तर पर मूल्य वृद्धि को देखता है, लेकिन यह थोक स्तर पर देखता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि थोक स्तर पर मूल्य वृद्धि देख रहा है, हो सकता है कि जब तक ये
उपभोक्ता के पास पहुंचे तब तक कुछ और ऐसा हो और इसकी कीमत बढ़ जाए, लेकिन उपभोक्ता के बाद वस्तु आगे नहीं बढ़ता। जितना भी प्रभाव पड़ सकता है मूल्य वृद्धि में वो सारा पड़ चुका है और वो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही देखने को मिलता है। दूसरा कारण कि सीपीआई में वस्तु और सेवाओं को दोनों को सम्मिलित किया जाता है जबकि WPI में सेवाएं नहीं होते। तीसरा कारण सीपीआई के लिए कि सीपीआई में ऐसे वस्तु जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, खाद्य और पेय पदार्थ, उन्हें सबसे ज्यादा भार दिया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि ज्यादा भार होने की वजह से अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है जिससे खाद्य एवं पेय पदार्थ की कीमत बढ़ती है तो तुरंत सीपीआई में परिलक्षित हो जाता है और जिससे हम तुरंत तैयार हो जाते हैं कि इस इन्फ्लेशन की वजह से सबसे जो निम्न वर्ग होगा, आय सब जिसकी निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति होंगे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और उसके लिए पहले से ही योजना बनाई जाने लगती है। तो इन कारणों से सीपीआई सबसे ज्यादा क्लियर पिक्चर शो करता है और इस कारण से जब मौद्रिक नीति बनाई जाती है तब इसी सीपीआई के इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और प्रयास किया जाता है कि सीपीआई के 4% तक मुद्रा स्फीति की दर को सीमित रखा जाए। क्लियर है? तो मुद्रा स्फीति को मापने के लिए तीनों ही सही है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि मुद्रा स्फीति नियंत्रण के लिए मापने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है तो वह होगी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी के माध्यम से मुद्रा स्फीति का मापन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। देखिए सामान्य तौर पर मौद्रिक नीति समिति होती है, लेकिन RBI कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के होते हैं और मौद्रिक नीति समिति जो होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होगी, उसमें जो चेयर पर्सन होंगे वो RBI के गवर्नर ही होते हैं और उनके पास एक अलग सा पावर होता है जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। अगर निर्णय बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत देकर RBI के गवर्नर अपने पक्ष में या RBI के सदस्यों के पक्ष में निर्णय को ला सकते हैं मौद्रिक नीति से संबंधित। वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ही प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वह है RBI। तो जाहिर सी बात है कि एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। वो भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रमों को संचालित करता है, बिल्कुल सही। तो ये चारों ही कथन सही होने की वजह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न पर नजर डालते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां किसे कहते हैं? यह हिंदी में आपने अभी सुना होगा, कई लोगों ने इंग्लिश में कई बार सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA, उसे ही गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। ये क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं, एसेट का मतलब क्या हुआ। एसेट का मतलब हुआ कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई खर्च, ऐसा कोई निवेश जो कुछ लाभ लाकर दे। तो अगर बैंक के दृष्टिकोण से हम देखें तो मान लेते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति कौन है, जमा करता है, ठीक है। और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये कौन है, जो ऋण लेगा या ऋणी व्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति बैंक में, बैंक का नाम आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए SBI, ठीक है। अब अगर ये जमा करता, यहां पर कोई राशि जमा करता है, 100 रुपए जमा करता है और बोलता है कि भाई ये कुछ दिन के लिए रख लो, तो SBI बोलेगा कि ठीक है, SBI बैंक आएगा, ठीक है मैं आपके ये पैसे रख लेता हूं और आपको मैं 4% का ब्याज लौटाऊंगा। अब SBI ये 4% का ब्याज कहां से लौटा पाएगा, जब SBI इस 100 रुपए की राशि को, कुछ पैसे जरूर निकल जाएंगे आरक्षित अनुपात करने के लिए, और राशि को जब ऋणी को पहुंचा देगा और इससे जो है मान लेते हैं 6% लेगा।
तो 6% लिया, 4 जमाकर्ता को पहुंचाया और एसबीआई की जो कमाई हुई वो 2% हुई। तो ये जो 100 रुपए है, इस 100 रुपए पर ब्याज लौटाने के लिए या इस 100 रुपए के मूलधन को लौटाने के लिए बैंक बाध्यकारी है और इसलिए इस पैसे को हम लायबिलिटी मनी कहते हैं बैंक के दृष्टिकोण से। क्लियर है, लौटाने के लिए बाध्य है। लेकिन ये जो पैसे हैं, ये जो उधार दिया गया इससे कुछ राशि यहां पर बैंकों को मिल रही है, कुछ लाभ मिल रहा है, तो हम इसे कहते हैं एसेट, क्योंकि इस उधार में दी गई राशि से बैंकों को कुछ मिल रहा है, इसे कहेंगे एसेट, हिंदी में कहेंगे परिसंपत्ति। अब मान लेते हैं कि यह जो व्यक्ति है, यह जो ऋणी व्यक्ति है, यह थोड़ा सा दुराचारी टाइप का व्यक्ति निकल गया और यह इस ब्याज को नहीं लौटा रहा है, ना तो उधार में ली गई राशि को लौटा रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि बैंकों ने जो एसेट भेजा था उससे कुछ अब मिल नहीं रहा है, अर्थात वो परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसे कह दिया गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर है? तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती उसे एनपीए या फिर गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे जो कंसेप्ट से आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? बाकी टॉपिक पर एमसीक्यू हम अगले वीडियो पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।